आज के हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन देखेंगे, अर्थात पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन जो होता है मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रदूषण क्या होता है निम्न प्रकार के होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे आने वाले नए वीडियो आप पहल दे सके। तो आइए देखते हैं पोल्यूशन। जैसे कि पता है पोल्यूशन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है, वाटर पोल्यूशन अर्थात जल पोल्यूशन, और दूसरा क्या है, नॉइज पोल्यूशन अर्थात जिसे ध्वनि पोल्यूशन के नाम से जानते हैं, एयर पोल्यूशन अर्थात वायु पोल्यूशन, और लैंड पोल्यूशन अर्थात मृदा पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो इसी प्रकार से देखिए अगला टॉपिक देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट अर्थात औद्योगिक अपशिष्ट किसे कहते हैं। देखिए जो औद्योगिक अपशिष्ट होती है ये भी एक पोल्यूशन का ही मुख्य कारण होता है। तो इंडस्ट्रियल से सॉलिड रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट से मशीन के टूटे फूटे भागों संरचनाओं के निर्माण मरम्मत एवं डेमोलाइजेशन आदि से इकट्ठा होता है, अर्थात इंडस्ट्री में औद्योगिक कारखानों से जो सॉलिड रॉ मटेरियल होते हैं कच्चा माल होता है, तो प्रोडक्ट से मशीन के टूटे फूटे होते हैं और संरचनाओं के निर्माण होते हैं मरम्मत एवं डेमोलाइजेशन होता है से आदि क्या होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, ये भी क्या होते हैं पोल्यूशन का एक मुख्य कारण होता है। इंडस्ट्रियल में प्रयुक्त फैक्ट्रीज की कीमत उनके प्रोडक्ट मात्रा व स्थिति के आधार पर होती है। इंडस्ट्री के केमिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के वेस्ट अपशिष्ट से प्राप्त होता है, अर्थात वेस्ट की मात्रा वहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जलवायु भौगोलिक स्थिति एवं सोशल स्थिति पर निर्भर करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के रिसाइकल पर केयर किया जाए तो इसके कई मेरिट हैं, तो पोल्यूशन की मात्रा तो कम होती ही है, साथ ही एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त होती है, अर्थात जो इंडस्ट्री होती है इंडस्ट्री के अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या किया जाता है रिसाइकल किया जाए। ठीक है, इस पे ध्यान दिया जाए तो क्या होगी, इससे पोल्यूशन क्या होगा, पोल्यूशन की जो मात्रा होगी प्रदूषण की मात्रा जो होगी उससे कम होगी तथा साथ ही एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्राप्त होगी जिसका यूज किसी अन्य वर्ग के लिए किया जा सकता है, और जिसका यूज क्या करते हैं जिस अन्य वर्ग के लिए किया जा सकता है। और इंडस्ट्री की जो संख्या है असीमित है, इसमें कुछ बड़े इंडस्ट्री हैं तो कुछ छोटे इंडस्ट्री भी हैं, अर्थात क्या होता है जैसे कि जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्रियों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है मतलब असीमित है, तो इसमें से क्या होते हैं कुछ छोटे इंडस्ट्री भी होते हैं और कुछ बड़े भी इंडस्ट्री होते हैं। तो ये प्रायः क्या होते हैं अपनी इंडस्ट्री अपनी वेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करती हैं, अर्थात जो बड़े होते हैं इंडस्ट्री वो तो अपना ट्रीटमेंट कर लेती है अर्थात उन्हें रिसाइकल कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे इंडस्ट्री होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये अपना रिसाइकल नहीं करती हैं। ठीक है, और इसे म्युनिसिपल वेस्ट में ही मिला देते हैं। तो क्या करते हैं छोटे इंडस्ट्री जो होते हैं इसे म्युनिसिपल वेस्ट में क्या करते हैं अपशिष्ट को मिला देते हैं, जबकि बड़े इंडस्ट्री को वेस्ट ट्रीटमेंट इंस्ट्रूमेंट द्वारा ट्रीट कर लिया जाता है, और जो बड़े इंडस्ट्री होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ट्रीट कर लिया जाता है। अगला टॉपिक देखेंगे लैंड पोल्यूशन अर्थात मृदा पोल्यूशन या जिसे हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। देखिए ये भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण दोनों के नाम से जाना जाता है। तो भूमि के फिजिकल केमिकल में कोई भी अवांछनीय पोल्यूशन जिसका इफेक्ट अन्य जीवों पर पड़े या जिससे कि प्राकृतिक गुरुत्वा या उपयोगिता को नष्ट कर हो उसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं, अर्थात भूमि की फिजिकल भौतिक अवस्था या रासायनिक अवस्था में कोई भी अवांछनीय प्रदूषण जिसका इफेक्ट जो होता है अन्य जीवों पर पड़े या जिससे प्राकृतिक गुरुत्वा क्या हो जाए नष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं मृदा पोल्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार मृदा जो प्रदूषण होता है भूमि प्रदूषण के निम्नलिखित कारण होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, देखिए घरेलू अपशिष्ट ये भी मृदा के क्या होते हैं मृदा प्रदूषण के
ये भी कारण होता है। नगर पालिका अपशिष्ट होता है, औद्योगिक अपशिष्ट होता है, और कृषि अपशिष्ट होता है। ये चार जो हैं ये मुख्य प्रदूषक होते हैं मृदा प्रदूषण के। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा साथ में बेल आइकन के बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप हमारे आने वाले नए वीडियो आप पहले सकें।